To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! Hello everyone! Welcome to Are We Out of Bomb? चलिए सबसे पहले डो प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए 2 कप व्हीट फ्लावर और 1/2 कप आप ऑल पर्पस फ्लावर, उसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब मोइन के लिए 1 टेबलस्पून घी और क्लेरिफाइड बटर ऐड करें। मिक्स ऑल टुगेदर एंड प्रिपेयर अ सेमी सॉफ्ट डो विथ कोल्ड वाटर। सो अवर डो इज रेडी, लेट्स कवर इट विथ अ मसलिन क्लोथ। इसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को चॉप करके प्रिपेयर कर ले। अब एक साफ सतह पर व्हीट फ्लावर डस्ट कर ले और फिर पूरा डो एक साथ लेकर उसको लंबाई और चौड़ाई में स्क्वायर में बेल ले। उसके बाद उसमें फ्रोजन बटर रख कर उसको फोल्ड कर ले और फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख दे। नाउ लेट्स प्रिपेयर सावरी पेस्ट्री प्रॉफ फिलिंग। उसके लिए 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून एसाफोटिडा और 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। अब उसमें अपनी पसंद की प्रिपेयर की हुई सारी वेजिटेबल्स डाल दें, सॉल्ट ऐड करें और सीजनिंग में मिक्स्ड हर्ब और चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अनुसार डालकर उसे मिक्स कर लें। अब उसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने दें, बीच बीच में हिलाते रहें और फिर उसे ठंडा करने के लिए रख दे। अब डो को फ्रीजर से बाहर निकाल कर फिर से फ्लोर पर डस्टिंग करके उसको स्क्वायर में बेल लेते हैं। उसको ऐसे बेले जिससे वो ज्यादा पतला भी ना रहे और ज्यादा मोटा भी ना रहे। उसके बाद अब उसको फिर से फोल्ड करके 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दे। इसी तरह से हमें 7 से 8 बार या फिर हमें जितने ज्यादा लेयर्स चाहिए उतनी बार हमें बेल कर फोल्ड करके फ्रीजर में रखना होगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार ये प्रोसेस की है और डो प्रिपेयर करा हुआ है। और फ्लेवरिंग के लिए टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अब पफ स्टफिंग के वेजिटेबल फिलिंग में हम 1 कप श्रेडेड कॉटेज चीज और 1/2 कप श्रेडेड मोजरेला चीज को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाउ फॉर द स्वीट स्टफिंग हम 1/4 कप डार्क चॉकलेट ले लेंगे और उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। अब उसमें 1/2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें 1 टेबलस्पून कैन्ड मिक्स फ्रूट डालेंगे। अब ऐड करेंगे पिस्ता, कुछ कैशियू नट्स, कुछ ब्लैक रेजिन्स और गोल्डन रेजिन एंड सम आलमंड्स। नाउ मिक्स वेल ऑल टुगेदर और उसके अब उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दे। अब हम डो को थोड़ा सा थिक बेल कर उसके स्क्वायर में नाइफ से पोर्शन बना लेंगे। उसमें से एक पोर्शन लेके उसको लंबा सा स्क्वायर में बेल लेंगे। अब उसमें बीच में वेजिटेबल सावरी स्टफिंग रख देंगे और एक डिजाइन में पफ बनाएंगे। इसी तरह से हम आगे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में पफ बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
सो यहाँ पे हमने काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में पफ क्रिएट किए हुए हैं। आप और भी कई स्टाइल्स में पफ बना सकते हैं। अब हम इस सारे पफ को मिल्क या फिर ऑयल से ब्रश करके माइक्रोवेव में बेक करने के लिए रखेंगे। यह ऊपर से काफ़ी क्रिस्प और गोल्डन बनेगा। अब हम प्रिपेयर्ड पफ पेस्ट्रीज को प्रीहीटेड ओवन में हाई रेक पर करीबन 200 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। यू कैन सी एंड फील इट्स रियली अमेजिंग टू मेक। यू रियली कांट वेट टू डिग इट। जो एक प्योर वेजिटेरियन और इनोवेटिव डिश है विद स्टाइल एंड डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। वाओ, यू कैन सी इट्स रियली रियली नाइसली डन। जो हमने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स बनाए थे वो भी काफी उभर के अच्छे दिख रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। यू कैन सी इट्स रियली रियली क्रिस्पी, काफी सारे लेयर्स के साथ, लुकिंग टेम्प्टिंग राइट। और यहाँ पे सावरी पफ में भी आप देख सकते हैं कि जो हमने बार बार फोल्ड करके जो फ्रीज करा था उस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे आप काफी सारे लेयर्स भी देख सकते हैं। एंड नाउ द स्वीट वन। चलिए अब ये देखते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है। इट्स रियली क्रिस्पी, यू कैन फील। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। इट्स रियली रियली माउथ वाटरिंग। इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरआई आउटलुक बॉक्स एंड गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज डू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।